भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो अपने सच्चे बंदों का साथ जरूर देता है। भाबो, भाबो तूने ही सिखाया था ना कि इंसान का काम होता है कि वो सिर्फ सच्चे कर्म करे। इसलिए हमें सिर्फ कर्म करने चाहिए ना। इसलिए हमें सारी अपनी परेशानी और चिंताएं भगवान के आशीष छोड़ के निश्चिंत होकर अपने काम करने चाहिए। फिर बाबा तू भी आज अपनी सारी परेशानियां ईश्वर के हवाले करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? सब ठीक हो जाएगा। तू कहाँ जा रही है? अब वो गौ माता की सेवा करने जी। आज बड़ी सेवा की जा रही है गौ माता की। सेवा ही करने जा रही है ना? के बात कर रही हो जी? सुना नहीं आपने जेठ जी ने क्या कहा कि अपनी सारी चिंता ना भगवान के हवाले कर दो। इसलिए मैंने तो अपनी सारी चिंता गौ माता के हवाले कर दी है। जय गौ माता, आपके बिना चैन को नहीं आता। मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। जेवर, ये दो तीन चार पांच, अरे जेवर। मारे जेवर, एक काम करनी ना, आप इसे ना अपने मायके भेज दे, थारी चिंता खत्म। चल नहीं नहीं ऐसे अगर ये कंडे लेके जाऊंगी तो किसी को भी शक हो सके हमारे पे। तो क्या करूं मैं? हाँ, मारी दौलत पे किसी की नजर ना पड़े। थू 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 थू, बैग ही ले आती हूँ। दुकान की बत्ती चली, कट गई है। शर्मी की भी हद होती है। भगवान के घर चोरी करके भी दरा भी इनको शर्म नहीं गाठी परिवार को। अरे शर्म तो उससे आ गया है ना जिसका कोई मान मर्यादा हो। दुकान भले ही खोल ले रहे पर ग्राहक का ऊपर से पैदा करेंगे। हेलो भाई छोड़ो चलो। सब ठीक हो जाएगा सूरज जी, सब ठीक हो जाएगा। सूरज भैया 10 तो बज गए।
11 बजे तक तो स्वामी जी के लोग आ जाएंगे। हाँ छोटू चल बरसात की तैयारी करते हैं। गैस खत्म हो गया, अब शिवरात्रि का प्रसाद कैसे बनेगा? फोन करता हूं। हेलो हेलो भाई जी, मैं सूरज राठी बोल रहा हूँ, राठी मिष्ठान भंडार से। देखिए मुझे एक गैस का बाटला चाहिए था। मेरा ग्राहक संख्या है 50723। तुम अधर्मियों को हम कुछ नहीं देंगे। गैस वाला बोल रहा है कि गैस भी खत्म है। गैस के बिना चूल्हा कैसे जलेगा? महाशिवरात्रि का प्रसाद कैसे बनाएंगे? छोटू, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि महाशिवरात्रि पे तुम्हारे भाई साहब ने प्रसाद ना बनाया? आज भी प्रसाद जरूर बनेगा। सूरज जी, गौ माता हमारे घर के लिए वरदान साबित हुई है। मैं अभी गोबर के कंडे लेकर आती हूँ, आज कंडे जलाकर ही प्रसाद बनाएंगे। मैं भी आई। सूरज भैया, गोबर के कंडे जलाकर हम प्रसाद बनाएंगे? तो मैं सिगड़ी लेकर आता हूँ। को क्या हुआ? कहीं और भूख तो नहीं लगी? थोड़ी और घास डाल देती हूँ। घास भी नहीं खाई, गले में तो कुछ झटका नहीं? गले में तो कुछ नहीं अटका है। सूखी घास की तरफ क्यों देख रही है?
यहाँ कंडे बांध के किसने रखे? शायद चतुरी ने रखे होंगे। चलो यही ले जाते। ये भारी क्यों है? सूरज भैया प्रकोप, शिवजी का प्रकोप। शिवजी का प्रकोप। छोटू क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? पता नहीं बाबा साहब, अचानक से डब्बा अपने आप हिलने लगा और धड़ाम से आगे नीचे गिर गया। ये सब प्रकोप की वजह से ही हुआ। चलिए बाबा साहब। सूरज ये तो चने हैं इतने सारे, ये तो अंकुर भी फूट आए हैं, लेकिन हमने तो आधा भगोना भिगोया था ना सूरज जी। संध्या जी, चने भिगोने के बाद फूल जाते हैं छोटू, इसमें ढलने जैसी कोई बात नहीं है। हमने चने भिगो के रखे थे, अरे चने भिगोने के बाद फूल जाते हैं ना। जैसे चने ऊपर उठे मतलब फूले, और उसके ऊपर वाला डिब्बा नीचे गिर गया। फूल गए? कोई प्रकोप वर्कोप ना है? देखो भगवान प्रकट हो गए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने अपनी एक आँख खोल के देखा था। तुमने ही डाला था ना भगवान को जमीन के नीचे। स्वामी जी ने तो पता है बिना जमीन खोदे ही भगवान को प्रकट किया था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे चने आए कैसे? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शिवलिंग खुद जमीन में से कैसे निकला है? अरे चने भिगोने के बाद फूल जाते हैं ना, जैसे चने ऊपर उठे मतलब फूले, और उसके ऊपर वाला डिब्बा नीचे गिर गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे चने आए कैसे? शिवलिंग खुद जमीन में से कैसे निकला है? अरे चने भिगोने के बाद फूल जाते हैं ना, जैसे चने ऊपर उठे मतलब फूले, और उसके ऊपर वाला डिब्बा नीचे गिर गया।
आखिर ईश्वर ने सच का साथ देने का अपना वादा पूरा किया। पार्वती के गहने हैं, पर ये गोबर के कंडों में कैसे आए? छोटू, सच की लड़ाई लड़ने वालों को ईश्वर का ये आशीर्वाद मिला है। आप सही कह रही थी भाभी, स्वामी जी बिल्कुल ढोंगी है। हाँ, और उसी ने एक गलत इल्जाम लगाया हमारी भाभों पर। मैं तो कहती हूँ जाकर उस ढोंगी साधु के मुंह पर मारते हैं ये गहने। चलिए। नहीं चतुरी, अगर हमने ये गहने लौटा भी दिए तब भी तो हम चोरी साबित होंगे ना, और अगर नहीं लौटा तो तब भी ये चोरी का दाग हमारे ऊपर से नहीं हटेगा। आप सही कह रही हैं। गोविंद लाल बहुत ही शातिर है, उसने बड़ी ही होशियारी से अपना ये खेल खेला है। हाँ संध्या जी, बात तो सही है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे? अब तक तो हम गहने ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हम अपने आप को इस अपमान से बचा सकें, लेकिन अब जब गहने मिल गए तो फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। ऐसे कैसे हम अपने घर और भाभों की इज्जत पे कीचड़ उछलता हुआ देख सके? नहीं सत्य जी, मुझे लगता है कि हमें मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके ये बात साफ साफ बता देनी चाहिए कि इस ढोंगी बाबा ने हमें जानबूझ के इस जाल में फंसाया। हाँ हाँ भाभी, सूरज सर सही कह रहे, हमें यही करना चाहिए। नहीं सूरज जी, लोग हमारी बात पर ऐसे भरोसा नहीं करेंगे और ना ही हम चुपचाप बैठेंगे। हमें उस ढोंगी स्वामी की असलियत बहुत ही होशियारी से सबके सामने लानी होगी। वहां से पानी की बाल्टी लाना। समझ आ गया होगा चतुरी, तुम सब कुछ ठीक से समझ गई ना? हाँ हाँ भाभी, मैं सब समझ गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।